एग्जाम सही था, पॉलिटी के क्वेश्चन ने सबको रुलाया। बीपीएससी का एग्जाम देके आ रही हैं, चेहरे पे काफी मुस्कुराहट है, हंस रही हैं। इस बार लग रहा है कि वो कितना दिन से तैयारी कर रही हैं बीपीएससी का? ये मैं 6 महीने से कर रही थी। तैयारी तो बहुत दिन से कर रहे हैं। बहुत दिन से कर रहे हैं। इस बार भी कंफर्म नहीं है, कितना परसेंट चांस है इस बार? आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, टीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ प्रतिभा सिंह। इस वक्त हम पटना के बीएन कॉलेज के पास मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। आइए हमारे साथ कुछ बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो लोग इस बार कितना स्कोर किए हैं, उनकी मेहनत जो है इस बार कितना रंग लाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अभ्यर्थियों से बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं। क्या नाम है? वीरमण यादव। एग्जाम देकर आ रहे हैं बीपीएससी का, कैसा क्वेश्चन था? क्वेश्चन तो नॉर्मल था। नॉर्मल था जी। इस बार कितना स्कोर किए हैं? मेरा इसे 95 को सही है प्रॉपर। अच्छा, एकदम 95 को कंफर्म सही है जी। बाकी रंग दिया, अब देखते हैं क्या लग रहा है। आना चाहिए, आ जाएगा इस बार, देखते हैं। कितना दिन से तैयारी कर रहे हैं? मेरा फर्स्ट है। फर्स्ट है जी। मैम है, क्या नाम है मैम आपका? प्रतिभा। अच्छा, प्रतिभा नाम है। कितना, कैसा क्वेश्चन था आज? नहीं, ठीक था। ठीक था जी। क्या लग रहा है, निकल जाएगा इस बार? देखिए मैम, किए तो हैं पूरा कोशिश। ठीक है, क्वेश्चन ठीक था, क्वेश्चन हल्का था पहले के मुताबिक? नहीं, ठीक था, करंट्स वगैरह ज़्यादा था। अच्छा, करंट्स पर ज़्यादा था। बिहार से रिलेटेड। ठीक है, धन्यवाद। एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं सर। हाँ, क्या कहेंगे? एग्ज़ाम सही था, पॉलिटी के क्वेश्चन ने सबको रुलाया। अच्छा, तो कितना लग रहा है, कितना स्कोर किए हैं? स्कोर तो इस बार कट ऑफ कम जाएगी। अच्छा, कट ऑफ कम जाएगी, लगभग समझ लो 97-98 जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। बीपीएससी का एग्ज़ाम देके आ रही हैं, चेहरे पे काफ़ी मुस्कुराहट है, हंस रही हैं। इस बार लग रहा है कि क्लियर? ऐसा कुछ नहीं है, पेपर वॉज गुड, इट वॉज नाइस, एंड अब जो जैसे पढ़ा है वो तो वैसे आएगा आपका रिजल्ट। मेरा नाम स्वाति सिन्हा है। क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चंस इजी थे, ऐसा नहीं था, बहुत घुमा फिरा के था। इट वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टू द पॉइंट। कितना दिन से तैयारी कर रही हूँ? मैं अभी 1 साल से कर रही हूँ। 1 साल से कर रही हूँ। इस बार कितना परसेंट चांस है? आई थिंक है 50-50 है। 50-50 क्यों है मैम, 100% क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम इस प्रोसेस में आई हूँ, सो क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा पढ़ने में, जानने में फ़र्स्ट टाइम दिया है, तो उस चीज़ को प्रोसेस करने में टाइम लगता है, बट आई एम होपफुल, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। क्या नाम है? मनीषा। मनीषा एग्ज़ाम देकर आ रही हैं। हाँ जी। कितना स्कोर किए हैं? अभी ये कैसे बता सकते हैं, बट फिर भी अच्छा था। अच्छा था। हाँ जी। क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन अच्छा था, आई थिंक सारे सेक्शन, एक्चुअली हर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है किसने तैयारी किया है। हिस्ट्री वगैरह मैंने पढ़ा था, हिस्ट्री मुझे इजी लगा। जो जो सेक्शन मैंने पढ़ा था, साइंस का सेक्शन मुझे इजी लगा। संगीता संघवी नाम है। कहाँ से आई हैं? हम ये पटना से ही आए हैं। कितना दिन से तैयारी कर रही हैं बीपीएससी का? ये मैं 6 महीने से कर रही थी। 6 महीने से ही कर रही हैं, एग्ज़ाम भी दी हैं। मैं अपेयरिंग हूँ। अच्छा, अभी फर्स्ट मतलब ग्रेजुएशन किया हूँ। अच्छा। और इसी साल मेरा रिजल्ट आया था, और ये क्वेश्चन भी अच्छे थे, और मैंने अटेम्प्ट भी अच्छे लिए हैं। आई थिंक, आई होप कि अच्छा ही जाना चाहिए। शशि कुमार। कहाँ से आए हैं? आरा से। एग्ज़ाम देने आरा से आए हैं बीपीएससी का, कैसा रहा आज का एग्ज़ाम? पेपर सही था, इजी टू मॉडरेट था, बस। और क्या बोला है? आगे कितना मतलब लग रहा है कि निकलेगा? हाँ, लग रहा है तो निकलेगा। कितना परसेंट लग रहा है? मतलब 85%। कितना दिन से तैयारी कर रहे हैं? लगभग डेढ़ साल। हाँ। 80% क्यों लग रहा है, 100% क्यों नहीं लग रहा है? 85% मतलब अब वो आंसर मिलाने के बाद ना पता चलेगा। ऐसे तो कुछ कुछ क्वेश्चन बोर्ड ये गलत भी मान लेता है, तो उससे बोल रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? आकृति। एग्ज़ाम देकर आ रही हैं बीपीएससी का, कितना स्कोर किए हैं? मैक्सिमम 110। 110। क्या नाम है आपका? सुमित नाम है। अच्छा, तो एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं बीपीएससी का, कितना स्कोर किए हैं? स्कोर तो मैम अभी कुछ बता नहीं सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं बता सकते हैं? एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, नहीं बता सकते हैं। स्कोर मेरे कहने का मतलब कंफर्म नहीं बता सकते हैं अभी, तो स्कोर मतलब 140 के आसपास बना के आए हैं, कंफर्म मिलाएंगे घर पे, उसी के बाद ही बता पाएंगे ना। अच्छा, कितना दिन से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो बहुत दिन से कर रहे हैं। बहुत दिन से कर रहे हैं। इस बार भी कन्फर्म नहीं है, कितना परसेंट चांस है इस बार?
चांस वही 70% चांस है अभी तो 100% क्यों नहीं है? 100% इसीलिए नहीं है क्योंकि अभी आप तो काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं। बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं इसीलिए बता रहे हैं, अभी तो पीटी है उसके बाद मेंस है। पिछले बार पीटी हुआ था लेकिन मेंस में तैयारी नहीं था, उसकी वजह से नहीं हो पाया। आगे भी तैयारी करते रहिए ऐसे ही। क्या नाम है आपका? दीक्षा। आप कहाँ से आई हैं? पटना में ही। अच्छा, पटना से आई हैं, एग्ज़ाम देकर आ रही हैं। क्या कहेंगी, कैसा क्वेश्चन था? अच्छा था क्वेश्चन, साइंस का पोर्शन ज़्यादा था और मेरे को ठीक लगा, अच्छा लगा, इजी था। कितना स्कोर किए हैं? वो तो अब घर जाके पता चलेगा, बीपीएससी का रिजल्ट मींस आंसर शीट आएगा तब ना कंपेयर करेंगे। कितना दिन से तैयारी कर रही है? एक साल। एक साल से तैयारी कर रही है, इस बार क्या लग रहा है? नहीं पता। नहीं पता, कुछ भी नहीं, एग्ज़ाम देकर आ रही हैं बस। तो जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त हम बीएन कॉलेज के पास मौजूद थे और बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों से हम बातचीत किए। अभ्यर्थी का कहना है कि इस बार का जो क्वेश्चन था वो बहुत ही अच्छा था, पढ़ने वाले जो अभ्यर्थी होंगे इस बार वो अच्छा करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें टीडी न्यूज़ के साथ। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।